अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, एक्सरसाइज 9.2, क्लास 9, सब्जेक्ट हमारे पास मैथ। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, यूज डिस्टेंस फार्मूला टू प्रूव वेदर आर नॉट द पॉइंट्स 1 1 -2 -8 4 10 लाइन इन अ स्ट्रेट लाइन। आप ये प्रूव करना है कि डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करना बताना है कि हमारे पास पॉइंट है कि एक ही लाइन में है कि नहीं है। ठीक है, तो इसको आपने करना है कि पहले इसको नाम दें कि ए है, बी है और सी है। लेट ए 1 1 है और बी होगा -2 और -8 और सी है 4 and 10। अब इन पर लगाना है आपने डिस्टेंस फार्मूला। पहले लगाते हैं हम ए बी के ऊपर, डी इज इक्वल टू ए बी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब यहाँ ए है पहले आपका, तो ये x1 y1 है, बी बाद में, तो x2 और y2। x2 क्या होगा -2 -x1 क्या 1 है, y2 क्या है -8, y1 क्या है हमारे पास आपका 1 है। अब अगर हमारे पास 2 टर्म तो आप नेगेटिव हो तो इनको प्लस करेंगे साइन मान से, -3 का स्क्वायर और ये -9 का स्क्वायर के 2 टर्म का आप नेगेटिव है तो प्लस करेंगे साइन मान से, 3 का प्लस 9 9 9 इधर आएगा हमारे पास 81 प्लस करेंगे तो आएगा 90। अब 90 का हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ पॉइंट आएगा, इसका फिर हम फैक्टर ना देंगे, 2 4 8 यहाँ समान क्या क्या होगा 10 2 5 10, फिर 3 से करेंगे 3 1 यहाँ समान क्या क्या होगा 15 3 5 15 5 3 3 5 5 3 2 3 3 5 2 3 5। अब ये जो आपका स्क्वायर रूट दिया है वो 2 का भी है, 3 की पावर 2 का भी, 5 का भी, इसके ऊपर स्क्वायर है वो टर्म तो आपकी स्क्वायर से बाहर आ जाएगी, ये पावर 2 और स्क्वायर कर देता है तो फिर आएगा 3 बाहर आ गया, 2 5 10। इसको नाम दें इक्वेशन 1 का। ठीक है, अब ऐसे आप निकाल लें आपने ना, अब बी सी निकाल दें, यानी कि डी इज इक्वल टू बी सी पे लगाना है आपने डिस्टेंस फार्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ठीक है, हम बी सी हैं, अब ये x1 और y1 ये x2 और y2 तो आएगा 4 -x1 के और -2 है प्लस y2 के हमारे पास क्या है 10 और माइनस आ जाएगा 10 -8। अब ये -10 हो जाएगा, 10 -10 हो जाएगा। अब 4 में 2 हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 10 में 8 प्लस करेंगे तो हमारे पास 18 का स्क्वायर। अब आपने 6 को 6 से करें मल्टीप्लाई तो ये आएगा हमारे पास 36, फिर आपने 18 को 18 से करना मल्टीप्लाई तो ये आएगा हमारे पास 324, ये आएगा 36 और ये आएगा 324 आएगा। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे आपको आएगा 36 में आप 324 यानी ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो आएगा 360 आ जाएगा। अब इनके फैक्टर बनाएंगे हम 360 के, 2 से करते हैं या 2 1 2 यहाँ समान क्या दिया होगा 16 2 8 और 2 0, फिर 2 से 2 9 18 2 3 0, 2 4 8 यहाँ समान क्या दिया होगा हमारे पास 10 2 5। अब आगे 3 से वही किया 15 आएगा, फिर 3 5 और फिर 5 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5।
अब ये पेयर बनेगा, टू की पावर टू बनेगा, ये थ्री की पावर टू बनेगा। तो अगर टू की पावर टू, थ्री की पावर टू इंटू फाइव, अभी के ऊपर पावर टू है ना, वो टर्म तो आपकी स्केल से बाहर आ जाएगा। अगर टू मल्टीप्लाई थ्री और ये बीच में रहेगा, टू मल्टीप्लाई फाइव और टेन आ जाएगा। टू थ्री क्या होगा, सिक्स और टेन का स्केल, इसको आप नाम दें क्वेश्चन नंबर टू का, ठीक है। उसके बाद आपने थर्ड निकालना है, यानी कि सी ए बी इज इक्वल टू, अब सी ए बिखाना है आपका, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट है, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास सी ए ना, सी वन का एक्स वन और वाई वन है, और एक्स टू वाई टू का वन माइनस फोर, वन माइनस फोर का स्क्वायर, y2 क्या है 1 माइनस 10, तो 4 के समान निकाल देंगे माइनस 3 का स्क्वायर आएगा, 10 के समान निकाल देंगे माइनस 9 का स्क्वायर आएगा, 3 का स्क्वायर हमारे पास माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 आएगा, और 9 इंटू 9 आपको प्लस 18 आएगा, दोनों को प्लस करेंगे 90 का स्क्वायर। अब 90 के फैक्टर पहले बना चुके हैं भैया, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो आएगा 2 इंटू, इसका पेयर बनेगा 3 की पावर 2 इंटू 5, आप ये पावर 2 है, इकट्ठे की स्केयर उसमें 3 आपको बाहर आ जाएगा, 2 इंटू 5 आपका 10 आएगा, इसको नाम दे थर्ड इक्वेशन। अब ये देखना हमारे पास ना कि सबसे बड़ी टर्म कौन सी है, यानी 3 इंटू 10 का अंडर रूट है, 6 इंटू 10 का अंडर रूट है, और 3 इंटू 10 का अंडर रूट, ये हमारा बड़ी है, ठीक है। अब आपने दो छोटी साइड को प्लस करना है, तो आपको थर्ड के बराबर आएगा, क्योंकि आपने जो गिवन पॉइंट्स हैं लाए या स्ट्रेट लाइन, अगर आपका फर्ज करें कि ऐसा इक्वल नहीं आता तो फिर आप लिख रहे हैं पॉइंट डज नॉट लाए ऑन स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर हम देखते हैं जी कि सबसे बड़ी काम हमारे पास क्या दिया है, वो ये दिया है, यानी कि बी सी का जो आंसर है वो दिया है तुम्हारे पास 6 इंटू 10 का अंडर रूट। अब जो आपकी दो छोटी साइड को हम प्लस करते हैं, ठीक है, यानी ए बी प्लस सी ए, अब ए बी कहां से क्या है 3 इंटू 10 का स्क्वायर रूट प्लस उसके बाद सी ए का 3 इंटू 10 का स्क्वायर रूट। अब 3 में 3 को प्लस कर देंगे, ठीक है, 6 आ रही है, इसमें से 10 का स्केप कॉमन ले लें तो बाकी आपका आएगा फिर 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 क्या होगा हमारे पास 6 हो जाएगा। अब 6 को लिखने पहले तो इक्वल आ गया आपका, ठीक है। कि जो आप सबसे बड़ी साइड है उसको देखना है आपने, दो छोटी साइड को ऐड करना है, दोनों का आंसर आएगा लिखना आपने एंड रूट गिवन पॉइंट एंड रूट गिवन पॉइंट्स ला या स्ट्रेट लाइन, गिवन पॉइंट्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसका अगर आपने डिलीवर करना है ना, एक्सरसाइज हमारे पास है 9.2, इसका क्वेश्चन नंबर 4 और 6 सेम है, ठीक है। आपने घर से क्वेश्चन नंबर 6 आपने खुद करना है, ठीक है, आपने घर में इनकी प्रैक्टिस करनी है और इनका आपने होमवर्क करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।